हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है मेकअप का वीडियो। पूरा देखना वीडियो, सच में वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। रश्मि, तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक मेकअप का वीडियो लाई हूँ। और जो इससे पहले आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे थे, क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो, वो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आए। और सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि सब लोग इतना पसंद करेंगे उस वीडियो को। और सब ने उसमें बहुत सारे कमेंट किए और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए। सच बता रही हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और सभी का मैंने मतलब लगभग रिप्लाई कर दिया है, आप देखना जाके यूट्यूब पे। और उसके अलावा जो इससे पहले वाला वीडियो था मेहंदी का, मैंने उसमें कहा था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए मेकअप का वीडियो बनाऊँ, तो आप सभी लोगों ने उसमें भर भर के कमेंट किए और कहा कि हाँ, मुझे बनाना चाहिए। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, इस बार भी मैं यही कहूँगी कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मेरा जो तरीका है मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस सिंपल सा मेकअप का जो लुक है आपको पसंद आएगा। और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना प्लीज़ फ्रेंड, बिल्कुल भी मत भूलना। और जो छोटे छोटे से हैक्स हैं, जो मेकअप हैक होते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। और अब देखना कि कितना ईजी हो जाता है मेकअप करना। बट आपको मैं एक बात और भी बताती हूँ कि सच बता रही हूँ, चाहे आप विश्वास करें ना करें, कि वैसे मैं अपना मतलब पर्सनल लाइफ में मैं अपना कभी भी ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं करती। बट फिर भी क्या होता है ना, समय के साथ साथ कुछ चीज़ें थोड़ी चेंज करनी पड़ती हैं, तो होती हूँ। क्योंकि मेरा पहला मेकअप वीडियो है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो लास्ट तक देखेंगे और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट भी करेंगे। तो फ्रेंड, चलिए हम शुरू करते हैं आज के प्यारे प्यारे मेकअप को, ठीक है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम शुरू करते हैं एलोवेरा जेल से, जो कि हमें मेकअप के सबसे पहले लगाना है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं होता है कि सभी मेकअप के जो प्रोडक्ट होते हैं सबके पास हों। और अगर है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं जो आप मेकअप करना शुरू करेंगे। और अच्छे से इसको स्किन पर अप्लाई कर लीजिए। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि गीलापन है तो थोड़ा सा मतलब कुछ ही सेकंड लगेगा, वो सूख जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जो लगा रहे हैं वो है कंसीलर। पता है, अगर आपके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा जैसे कि पिंपल्स या किसी भी तरीके के कुछ ऐसे निशान हैं जिनको आप छुपाना चाहते हैं, तो कंसीलर मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है। बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं लगाना है। हाँ, अगर आपके मतलब फेस पे कुछ ऐसे निशान हैं या किसी वजह से भी मतलब कुछ स्किन प्रॉब्लम है जो कि काफ़ी उभरी हुई दिख रही है, तो आप उसको छुपाने के लिए ये कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा ही थोड़ा अप्लाई करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगाने से भी वो मेकअप बहुत ज़्यादा हैवी भी दिखने लगता है और दूसरे को भी पता चल जाता है कि आपने कितना सारा मेकअप कर रखा है। और अगर आप इसको कभी भी खरीद रहे हैं तो अपने स्किन टोन से थोड़ा सा इसे लाइट ही खरीदिए, ताकि मतलब थोड़ा सा ग्लो जैसा फील हो, वरना वो आपकी स्किन से मैच हो जाएगा और पता ही नहीं चलेगा कि कुछ आपने अपने फेस पे कुछ मतलब अलग लगेगा ही नहीं वो। और उसके बाद आप इसे अच्छे से पूरे फेस पे से ब्लेंड कर लीजिए। अगर मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप इसे ब्रश या ब्लेंडर से लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, बट मेरा मानना यह है कि फिंगर से ज़्यादा अच्छा मेकअप मैं किसी भी चीज़ को नहीं मानती। क्योंकि मतलब मैं आपको आगे फिलहाल मैं करके ज़रूर दिखाऊंगी, बट मेरे को फिंगर से सबसे बेस्ट अच्छा लगता है कि मेकअप मतलब काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और उसके बाद मैंने जो लगाया है वो है फाउंडेशन। फाउंडेशन आपके पास जो भी है, और वही कहूँगी मैं कंसीलर की तरह ही कि अपने स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट ही लीजिए। तो सिंपल सा और बहुत थोड़ा थोड़ा ही लगाया है मैंने, क्योंकि पता है जब भी कभी आप मेकअप करें, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने फेस पे हावी मत होने दें, क्योंकि वो फिर अलग ही दिखता है। आप खुद ही नोटिस कीजिए ये, वरना नेचुरल नहीं लगेगा। अगर आपने ज़्यादा किया ना तो सामने वाले को भी बहुत अच्छे से पता लगेगा कि भैया आपने भर भर के मेकअप कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से मैंने इसे पूरा लगा लिया है, पूरे फेस पे लगा लिया है। और अब फाइनली आप देख सकते हैं, और ये ब्रश है, अभी चाहें तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, वरना हाथ सबसे बेस्ट है। ये जो स्पॉन्ज टाइप का होता है जो आपने देखा होगा फेस पाउडर वगैरह में, अलग से भी आप परचेज इसे कर सकते हैं। और देखिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, शायद मेरी ऑडियो आप कहीं कहीं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया भी नहीं लग रहा, मेरा फर्स्ट वीडियो है ये, थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा ज़रूर और थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और सिंपल ये जो आईब्रो पेंसिल है, इसके अलावा बहुत सारे लोग आजकल
जो शेडो में जो शेडो पेट जो होती है उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसमें आप अपने आईब्रोज को हाईलाइट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग से भी, और नहीं तो आप सिंपल ये आईब्रो पेंसिल सबसे बेस्ट है, मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ भी अच्छा होता होगा। और इसको लगाने के बाद बहुत अच्छे से आप लाइनिंग बहुत लाइट से कर लीजिए, और उसके बाद अच्छे से इसको ना आप अपनी फिंगर की हेल्प से अच्छे से फैला लीजिए ताकि वो कहीं भी ना कुछ पैचेस वगैरह दिख ना जाए, जैसे कि लाइनिंग होती है ना वो ना दिखे, क्योंकि अगर वो दिखेगी तो वो आईब्रो में ना अलग ही पता चल जाती है। आपने कई बार लोगों को नोटिस किया होगा कि लोग आईब्रो पेंसिल लगा के चल देते हैं बट वो ये नहीं देखते हैं कि वो मतलब उसकी जो लाइनिंग है तो वो दिख रही है और वो बहुत ऑड लगती है। और अगर आप फिंगर से थोड़ा सा उसे फैला लेंगे ना तो सभी जो आईब्रो के जो हेयर होते हैं ना उनमें सब मिक्सअप हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा और बिल्कुल नेचुरल लगते हैं। मेरी थोड़ी सी आईब्रो लाइट है तो इसलिए कभी कभी मैं लगा लेती हूँ, कंपल्सरी नहीं बट कभी कभी मैं लगा लेती हूँ। और उसके बाद जो है हम लाइनर लगाएंगे, अगर आप चाहें तो जो ब्रश वाला लाइनर होता है आप उसे भी लगा सकते हैं। फिलहाल ये जो पेन वाला लाइनर है मैंने उसे लगाया है, जो मार्कर वाला होता है आपने देखा होगा, और बहुत ही सिंपल। बट आपको मैं यहाँ पे एक तरीका बताऊंगी कि सपोज अगर आपको लगता है कि आप पूरा लाइनर नहीं लगा सकते हैं या नहीं लगा पाते हैं मतलब आईज के ऊपर की तरफ जो होता है, तो आप कॉर्नर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पता है मैं कभी भी जैसे कभी मार्केट गई और मेरा मन है लगाने का, तो मैं जो आईज की जो मतलब कॉर्नर होते हैं ना बिल्कुल किनारी जो होती है मैं सिर्फ वहाँ पर बहुत हल्का सा मतलब अप्लाई करती हूँ और ऐसा लगता है जैसे कि सच में मैंने लाइनर लगा रखा है। कभी आप भी करके देखना, जल्दबाजी में हो तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और अगर आपको लगाना आता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल जिनको नहीं आता मैं उनके लिए बता रही थी। और उसके बाद मैंने ना कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया है, और आप चाहो तो सीधा फाउंडेशन के बाद भी लगा सकते हो, वरना सिंपल आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो। और ये भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि पता है क्या होता है जब आप धूप में कहीं खड़े होंगे ना तो वो एक जो उसका जो हल्का सा डस्टिंग लुक होता है ना वो साफ दिखाई देता है, वो आपके ना जो आपके फेस पे जो हेयर होते हैं ना उसमें साफ दिखाई देता है। तो इसीलिए बहुत हल्का हल्का ही अप्लाई करना है इसको, और वो डिपेंड करता है कि आपके फेस के कलर के अकॉर्डिंग ही आप कोई भी चीज़ लगाएं और मतलब कुछ भी ट्राई करें तो फेस के अकॉर्डिंग ही देखें, और थोड़ा सा इसे झाड़ लीजिए ताकि जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। और यहाँ पे मैंने सिंपल लिपस्टिक है मेरे पास, मतलब अगर आप चाहें तो शेडो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे इससे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये काफ़ी देर तक टिका रहता है और थोड़ा सा मतलब ठीक लगता है मुझे, मतलब कुल मिला के मुझे अच्छा लगता है ये वाला, तो कभी कभी ये मैं ट्राई कर लेती हूँ, वो भी किसी जैसे फेस्टिवल में, ऐसे कंपलसरी नहीं कि मतलब डेली, तो आप शेडो के तौर पर इसे यूज़ कर सकते हैं, वरना वही अभी मैंने जो आपको दिखाया शेडो आप उसे भी लगा सकते हैं। और देख सकते हैं कि फिलहाल अभी इतना मतलब हो गया है। और एक बात कहूँगी, देखिए पूरा देखना, काफ़ी मेहनत की मैंने इस वाले वीडियो में, और रात को ही 1 बजे पूरा बन के तैयार हुआ था, बट फिर भी थोड़ा सा इसमें काम रह गया था तो मैंने अभी सुबह इसको कंप्लीट किया है। तो प्लीज़ देखना जरूर वीडियो, अगर पसंद आता है ना तो प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना। और एक बात और कहूँगी, चलिए फिलहाल मैं अभी आपको यहाँ पर बताती हूँ, जो मैंने लिपस्टिक दिखाई मैं अभी यही अप्लाई करूँगी, बट उसके अलावा मेरे पास ना इसी से ही मैच करते लाइट डार्क करके ही लिपस्टिक हैं, क्योंकि रेड कलर मुझे बहुत पसंद है। और जब भी कभी आप किसी फेस्टिवल में कोई भी ड्रेस पहने तो मेरे ख्याल से रेड सबके साथ मतलब मैच कर जाता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं और अच्छा भी लगता है, मतलब इतना बुरा नहीं लगता, और रेड से ना एक बहुत ही प्यारा सा ग्लो आ जाता है। तो अभी मैं अप्लाई करूँगी, और ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है सच बता रही, मुझे रेड कलर बहुत पसंद आता है। और वैसे आप लोगों में से किस किस को पसंद है रेड कलर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और पता है जो मैंने ये ड्रेस पहनी हुई है ये बहुत ही मतलब पहले बहुत सिंपल थी, मैंने इसे भी काफ़ी मतलब खुराफात कर दिए, जैसे कि ये पूरी स्लीव्स थी और इसको मैंने कट कर दिया था, और उसके बाद मैंने इसमें ना लेस जो दिख रही है आपको वो मैंने मार्केट से ला के खुद ही लगा ली थी। तो फाइनली ये भी बताना है कि इस वाले सूट का लुक कैसा लग रहा है। हाँ, हो सकता है कि मतलब फेस्टिवल के अकॉर्डिंग शायद बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि कट स्लीव्स है, बट आजकल कुछ मैटर ऐसा नहीं करता, तो फाइनली मैंने यही वाला मतलब पहन लिया था। और रेड चुन्नी है, एक फुलकारी भी थी इसके साथ, बट मैंने सिंपल वाली जो रेड चुन्नी होती है मैंने वही ली थी। और आप चाहो तो कोई साड़ी वगैरह भी पहन सकते हो, गाउन वगैरह भी पहन सकते हो, आजकल तो सब चीज़ें और सब फैशन में ही हैं, तो देखा आपने कुछ भी पहन सकते हैं आप। और
उसके बाद देख सकते हैं कि जो मैंने लिपस्टिक लगाई है इसके बाद मैंने इसी कलर की ही लाइनर लगाई है, क्योंकि मुझे कोई भी डार्क नहीं पसंद आता है। जैसे कोई भी मैं लिपस्टिक लगाऊँ तो उसके मतलब आउटलाइनिंग में मुझे पसंद नहीं आता, इसीलिए मैं सिंपल उसी कलर की ही लगा लेती हूँ ताकि वो जो लिप्स का जो शेप है वो निकल के बिल्कुल सामने आए। और जो मैं कभी भी लगाती हूँ तो वो या तो मैं शेड वाली लिपस्टिक लगाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मैं आगे भी कभी मैं आप लोगों से वो जो वीडियो है मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि शेड लिपस्टिक कैसे लगाते हैं। जो शेडेड वाली लिपस्टिक होती है आपने देखा होगा, वो भी बहुत सारे लोगों को लगाना बहुत पसंद होता है, तो लाइट डार्क का। और सिंपल मैंने जो ब्लशर यूज़ किया है वो सिंपल फिंगर की हेल्प से मैंने लिपस्टिक में मतलब हल्का सा लगाया था, और उसके बाद मैंने अपने गालों पे अप्लाई किया है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ देख सकते हैं आप, और ऊपर की तरफ करते हुए आप इसको बहुत अच्छे से फैला लीजिए, और हल्का सा नोज़ में, बहुत ही हल्का सा नोज़ में भी आप लगा सकते हैं, जिससे कि बहुत ही प्यारा सा और क्यूट सा लुक आता है। और आप देख सकते हैं तो फाइनली अभी इतना तो लगभग पूरा हो गया। और हाईलाइट करने के लिए जैसे कि शेडो में आपने देखा होगा बहुत सारे कलर होते हैं, तो उसमें जो सबसे लाइट होता है तो वो वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। नहीं तो आप वैसलीन वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको तुरंत तुरंत कहीं फ़ोटो खिंचवानी है या मतलब कुछ देर के लिए तुरंत जाना है तो। वरना पता है क्या होता है, अगर आपने कहीं भी गर्मी के टाइम पर ये सब यूज़ किया ना तो ये सब बिल्कुल सत्यानाश कर देते हैं मेकअप का, तो प्लीज़ ऐसा कुछ ट्राई मत करना। और आपने देखा भी कि फाइनली मैंने थोड़ा सा सब जगह अप्लाई कर लिया है, जिससे कि थोड़ी सी शाइनिंग जो थोड़ा सा हाईलाइट कर सकें। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो मेरा मेकअप है वो कंप्लीट हो गया है। अभी पता है आप देख रहे हैं जो इस जगह यहाँ पे मैं ना हल्का सा जो आपने देखा होगा हल्का सा गड्ढा जैसा फील होता है ना, तो वो मेरे है बट वो इस वक्त अभी इतना नहीं दिख रहा, बट मैं उसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। वहाँ पर ना डार्क शेडो बहुत ही हल्का सा पॉइंट लगा के डार्क शेडो लगा देती हूँ मैं तो वो। और फाइनली मैं अपना सिंदूर लगा रही हूँ जो मुझे लगाना सबसे पसंद है, और बिंदी भी मैं इतनी छोटी ही लगाती हूँ इसलिए मैंने बहुत बड़ी बिंदी नहीं लगाई है। और फाइनली आपने देखा कि जो मैंने सिंदूर लगाया उससे काफ़ी अच्छा सा लुक आ गया। और ये जो सिंदूर है मैं इसे कभी भी लगाना नहीं छोड़ती, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मुझसे किसी ने कभी कुछ कहा है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने फेस पर तो मैं इसे ज़रूर लगाती हूँ। और बहुत ही हल्का सा मैंने जो आईब्रो पेंसिल होती है उसी से ही बहुत हल्का सा काजल का लुक दे दिया है, बहुत हल्का सा, क्योंकि जो मेरी आईब्रो है वो थोड़ी सी जो पलकें हैं सॉरी वो थोड़ी सी काली काली सी हैं, तो उसकी वजह से ऐसा फील होता है जैसे कि मैंने काजल लगा रखा है, तो ज़्यादा लगाऊंगी तो वो काफ़ी अजीब सा फील होता है और कभी कभी फैल जाता है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता। और गर्मी के टाइम पर आप ना इस तरीके की चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, वरना आपके जो मेकअप की रेड़ लग जाएगी बहुत ज़्यादा। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने लास्ट में ना कुछ पिक्स लगाई हुई हैं जो पूरा कंप्लीट मैं रेडी हो गई थी, और चुन्नी लेके मैंने कुछ पिक लगाई हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखना, मुझे उम्मीद है कि आपको वो भी अच्छी लगेंगी। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आपसे कहा ही है मैंने कि कमेंट जरूर करना, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरीके की और वीडियो भी लेके आऊँ, और अगर नहीं पसंद आते हैं तो भी मुझे बता देना, तो फिर मेरा लास्ट ही वीडियो होगा। और उसके अलावा क्या कहूँ यार मैं तो फ्रेंड्स, आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, मेरा मेकअप का वीडियो आपको कैसा लगा, मैं कि आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है ना तो प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ना तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी से लेके आ सकूँ। और इस बार मैंने शायद देर नहीं की है, मैंने आप लोगों के कहने के शायद नेक्स्ट डे ही मैंने ये वीडियो बना लिया है। हाँ, थोड़ा सा सोच रही थी कि अगर मैंने पहले आपसे पूछा होता तो मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर देती, बट कोई बात नहीं, मुझे तब भी आप बताइएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।